हाउ टू हाइड सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर मैंने जो आज सर्च किया सब्सक्राइबर, तो मुझे आया जो सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है, मतलब सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है, ये वाली टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने सोचा जो अब सर्च लोग कर रहे हैं तो मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन वो सारी की सारी वीडियो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, और जो ट्रिक हमें काम कर रहा था, उस ट्रिक से जो हमें फ़ायदा मिल रहा था, वो अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो चलो मैं एक नया वीडियो आप लोगों को बना के देता हूँ, जो सब्सक्राइबर को हाइड करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आगे आने वाली दो मिनट में, मात्र दो मिनट में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा जो सब्सक्राइबर को हाइड करने से क्या क्या फ़ायदा हमें मिलता है, और सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर लिया, मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है। आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर चाहे तो ओपन कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर में अपने VIT स्टूडियो को ओपन कर। ओपन करने के बाद सबसे नीचे में आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, उस सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन को ओपन करने के बाद नीचे में सेकेंड नंबर पर आपको चैनल का ऑप्शन मिलेगा, इस चैनल के ऑप्शन पे चले जाना है। चैनल के ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, एडवांस सेटिंग पे चले जाना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन। सब्सक्राइबर काउंट के ऑप्शन को आपको मिलेगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल। आप यहाँ पर जो इनेबल है इसको आप अनटिक करके सेव कर लेना है। सेव करते ही आपकी जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएंगे, और आपके सब्सक्राइबर को सिर्फ आप ही देख सकते हो, और अलग कोई भी बंदा आपके सब्सक्राइबर को नहीं देख पाए। चल झूठा। इसी तरह से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड अनहाइड भी कर सकते हो सेम प्रोसेस में। तो मैंने आप लोगों को तो बता दिया जो सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है, लेकिन हाइड करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो चलिए बेनिफिट की और चल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बेनिफिट हमें ये मिलता है जब हमारे सब्सक्राइबर बेस कम रहता है, तो उसमें क्या होता है, जब हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं उसके बावजूद हमारे कंटेंट में पावर रहता है, कंटेंट में अच्छा अच्छा चीज़ रहता है, जिससे आप छोटे यूट्यूबर या जो भी आप कंटेंट बनाते हो उसमें जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा। लेकिन जब आपके सब्सक्राइबर बेस कम है, फैन बेस कम है, तो आपके सब्सक्राइबर को कम देखकर बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे क्या 99% व्यूअर क्या करता है, जो भाई इतना इसका इतना कम सब्सक्राइबर है तो ये क्या अच्छा कंटेंट लेकर देगा, क्या अच्छा जानकारी लेकर देगा, यही देखकर सब्सक्राइबर को देखकर हमें जज कर लिया जाता है, और हमारे वीडियो को देखने से पहले ही कट कर दिया जाता है, हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखा जाता है, जिससे हमारा ऑडियंस रिटेंशन खराब होता है और हमारे वीडियो को YouTube प्रमोट करना कम कर देता है। इसीलिए YouTube ने ये फीचर्स को दिया है हमें, जो आप सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो, इससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं आप किसी भी बंदे को दिखाई नहीं देगा, और आपके कंटेंट पर लोग ध्यान देंगे, ना कि आपके सब्सक्राइबर बेस पर, आपके फैन बेस पर। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करके आप इस तरह से आप अच्छे अगर कंटेंट बनाते हो, आपका सब्सक्राइबर हाइड है, तब आपके व्यूअर्स ज़्यादा आपके वीडियो पर रुकेंगे, आपका वीडियो को ज़्यादा देर तक वॉच करेंगे, और आपके ऑडियंस रिटेंशन बनेगा, और आपके वीडियो को YouTube ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। इसलिए आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना चाहते हो, सब्सक्राइबर बेस कम है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो के इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, 20 टेक ले चुका हूँ, 21वां टेक है, तब जाके इस वीडियो को कंप्लीट मैंने किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर।